हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ सोशल साइंस का चैप्टर फोर्थ द वेस्टर्न डेजर्ट कवर करेंगे। सो इससे पहले भी मैंने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। तो वेस्टर्न डेजर्ट, तो यहाँ से पहले देखें, ये जो मैप दिया हुआ है इस पे उन्होंने दी हुई है नॉर्थ, ऊपर वाली नॉर्थ होती, नीचे साउथ, आपके जो राइट हैंड है इधर ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी। ईस्ट होता है आपका पूर्वी और वेस्ट होता है आपका पश्चिमी, ठीक है। तो पश्चिमी डेजर्ट के बारे में आज इस हिस्सा जो ये वाला है इसके बारे में हम जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। द लैंड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स इन राजस्थान इज रॉकी एंड सैंडी। तो कहता है कि जो जमीन है ना, लैंड होता है जमीन, ऑफ द वेस्ट ऑफ अरावली, ये अरावली हिल्स है, ये लिखा हुआ है ना अरावली, तो ये अरावली पहाड़ है, ठीक है। तो इसके वेस्ट साइड वाली जमीन है जो, ठीक है, इन राजस्थान, जो राजस्थान में आ जाती है, रॉकी एंड सैंडी मीन्स की पथरीली है और रेतली है वो सारी। दिस इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो इसी को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं कि महान इंडियन रेगिस्तान बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, तो इसी को हम थार डेजर्ट भी बोल देते हैं। इट स्ट्रेसिस, स्ट्रेसिस होता है फैलना, ठीक है। इट स्ट्रेसिस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात थ्रू राजस्थान टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा। तो सी मैप 4.1, तो इसको मैप 4.1 में देखते हैं। तो ये देखिए, ये थार डेजर्ट है, ठीक है, ये स्ट्रेस है, फैला हुआ है, ये देखिए, ये बॉर्डर ऑफ हरियाणा आ गया यहाँ से, रन ऑफ कच्छ से लेके, ठीक है, ये हमारा अरावली हिल के वेस्ट साइड पे आ जाता है। तो इसमें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर वाले इलाके आ जाते हैं। तो ये सारी लोकेशन है जो हमने देखी है, एक तरफ हमारा हरियाणा, ठीक है, अरावली पर्वत के वेस्ट साइड आ जाते हैं, रन ऑफ कच्छ आ गया एक तरफ, तो इंदिरा गांधी कैनाल इसमें से जो बहती है, ठीक है, इसको उपजाऊ बनाती है सतलुज रिवर से निकल के आके, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो हिस्से हैं इसके। तो अब जानेंगे द लैंड, तो यहाँ पे जमीन कैसी होती है। द थार डेजर्ट इज कवर्ड विद ए थिक शीट ऑफ लूज सैंड। जो थार डेजर्ट है ना, ये कवर है, ठीक है, एक मोटी जो शीट बनी हुई सैंड की, उसके साथ ये थार डेजर्ट सारा कवर है, मींस की रेत की जो लेयर बनी हुई उससे कवर है ये शीट के साथ। एट सम प्लेसेस देर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, तो कई एरिया पे छोटे छोटे सैंड के जो हिल्स बन जाते हैं उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। समटाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड्स विच ब्लो हेयर कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद दैम, तो कई बार क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवाएं चलती हैं ना, विच ब्लो हेयर, जो अक्सर यहाँ पे बहती रहती हैं, कैरी अपने साथ ले जाती है बहुत सारी अमाउंट ऑफ सैंड, कि अपने साथ बहुत सारी सैंड ले जाती है। दे कैन शिफ्ट द सैंड ड्यून्स, तो वो सैंड ड्यून को शिफ्ट कर देती है। मान लो सपोज करो यहाँ पे ये सारा रेगिस्तान है, तो यहाँ पे रेत का एक छोटा सा पहाड़ बन गया जिसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। जैसे कि रेत आती है, हवाएं अपने साथ रेत लाती है, यहाँ पे पहाड़ बन गया, ठीक है, उसी को वो शिफ्ट कर देती है, यहाँ से उठा के एक यहाँ पे बना दिया, फिर हवा बहुत तेज आई, वो यहाँ से उठा के उसको आगे दूर जाके कहीं बना दिया। तो इस तरह वो सैंड ड्यून्स को शिफ्ट करती रहती है। जो इस तरह के पहाड़ बनते हैं ना रेगिस्तान में, हवाओं के साथ बन जाते, छोटे छोटे पहाड़ बन जाते, रेत एक जगह पे आके रुक जाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। हाँ जी, तो फैक्ट वाइज देख लेते हैं, सैंड ड्यून्स आर आल्सो फाउंड ऑन मार्स, तो जो हमारा मार्स प्लेनेट है ना, वहाँ पे भी सैंड ड्यून्स मिलते हैं। विंड कैन शिफ्ट दीज सैंड ड्यून्स लाइक द वंस फाउंड इन द अर्थ डेजर्ट, तो इसी तरह जैसे अर्थ में मैंने आपको बताया कि हवा होती है, ठीक है, सैंड को एक तरह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती है, उसके पहाड़ बन जाते हैं जिनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं, तो उसी तरह मार्स पे भी ऐसा ही होता है। देयर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम्स इन द थार डेजर्ट, कहता है कि जो ये वाला हिस्सा है ना डेजर्ट वाला, थार डेजर्ट वाला, वह बहुत कम धाराएं हैं, छोटी छोटी नदियां वगैरह बहुत कम है यहाँ पे, कुछ ही है यहाँ पे। दे मोस्टली रिमेन ड्राई, तो जो है वो हमेशा ड्राई रहती है, सूखी रहती है। लूनी इज द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट रिवर, तो जो लूनी है ना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे। एट सम प्लेसिस ओसिस आर फाउंड, तो ओशिश क्या होते हैं तो इसको ध्यान से देखना। ये देखिए ओशिश क्या होते हैं, अ लस्ट ग्रीन एरिया सराउंडिंग ए वाटर सोर्स इन द डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओशिश। तो एक लस्ट ग्रीन मीन्स कि एक रेगिस्तान में एक इस तरह का एरिया होता है जहाँ जमीन के नीचे से पानी निकल आता है, तो उसके चारों तरफ ट्रीज वगैरह उग जाते हैं, ग्रीनरी हो जाती है, तो लोग यहाँ पे साथ में आके रहना शुरू कर देते, थोड़ी बहुत खेती होना शुरू हो जाती है। तो मीन्स कि जो ओशिश होते हैं कि नकलिस्तान इसको बोल देते हैं, कि समंदर जो रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी जगह होती है जहाँ के पानी अपने आप जमीन के नीचे से निकला होता है, तो ग्रीन एरिया होता है ये रेगिस्तान में। द लैंड अराउंड एन ओशिश इज फर्टाइल, तो वही है कि जो जमीन ओशिश के नज़दीक होती है ना वो फर्टाइल उपजाऊ होती है। पीपल ग्रो क्रॉप्स हियर, तो लोग यहाँ पे फसलें उगाते हैं। दस मोस्ट विलेजेस आर सिचुएटेड अराउंड एन ओशिश, तो ज़्यादातर जो विलेज होते हैं ना, ठीक है, गांव होते हैं यहाँ पे जो राजस्थान वगैरह एरिया में आ जाते हैं, डेजर्ट एरिया में, तो ओशिश के नज़दीक ही स्थापित होते हैं। हाँ जी, क्लाइमेट, तो उसके जलवायु किस तरह का है वहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। द थार डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर, तो सारा साल जो थार डेजर्ट है बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा रहता है। देयर इज़ वेरी लिटल और नो रेन, यहाँ पे बहुत कम और नाममात्र के करीब रेन होती है, यहाँ पे बारिश होती है। इन समर, तो समर में क्या होता है, डेज आर वेरी हॉट, तो दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। एंड नाइट्स आर कूल, तो रातें जो होती यहाँ पे ठंडी होती है, तो याद रखना रातें जो होती यहाँ पे ठंडी होती है। इन विंटर, तो सर्दियों में क्या होता है, डेज आर वार्म मीन्स कि जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं, वार्म्स होता है गर्म होना। एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, जो नाइट होती ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है यहाँ पे, तो दिन क्या होते हैं वार्म्स गर्म ही रहते हैं, तो नाइट्स ज़्यादा ठंडी हो जाती है विंटर में यहाँ। तो नेचुरल वेजिटेशन की बात कर लें, जो कुदरती वनस्पति होती है, नेचुरल वेजिटेशन वो वनस्पति होती है जो बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के अपने आप ग्रो हो जाती है, उसको नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मीन्स दैट मोस्टली स्कैटर्ड बुशिश एंड टॉर्नी होता है कांटेदार, ठीक है, बुशिश होता है झाड़ियाँ, शरब्स ग्रो हेयर, तो ये यहाँ पे उगते हैं, तो स्कैटर्ड होता है बिखरी हुई, ठीक है, तो ज़्यादा गर्म जलवायु होने के कारण बहुत सारी बिखरी हुई झाड़ियाँ, टॉर्नी शर्ब्स होती है, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे ग्रो होती है। हाँ जी, द खिजरी कीकर एंड बबूल ट्रीज ग्रो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट, तो खिजरी ये ट्री का नाम है, कीकर नाम है, एंड बबूल ये सेम होते हैं, कीकर एंड बबूल, ग्रो इन द ईस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा ना वहाँ पे उगते हैं ये वाले जो ट्री है। हाँ जी, तो ये पिक्चर देखिए, ये खेजरी ट्री है, तो ये इस तरह का दिखता है, ये सेम कांटेदार होते हैं, कीकर जो हमारे बबूल यहाँ पे बोलते हैं वैसे ही होते हैं, ये कीकर हो गया, तो इस तरह के येलो कलर के इसके फ्लावर होते हैं, इसके रेड से कलर के आ जाते हैं, तो ठीक है, ये बबूल हो गया, तो इस तरह जो कांटेदार जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो अब एनिमल्स सच एज ए कैमल्स ब्लैक बक्स चिंकारास एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर फाउंड इन दिस रीजन। द कैमल इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल, कैन यू टेल वाई, तो क्या आप बता सकते हो क्यों कैमल यहाँ पर मोस्ट यूजफुल एनिमल है। हाँ जी, देखिए तो ये जो है ना पिक्चर, ये ब्लैक बक्स की है, ठीक है, तो ये जो नीचे वाली ये पिक्चर आ जाती है ना, इसको चिंकारास बोलते हैं, तो कैमल आपको पता ही है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, तो ये जो जानवर है ना जो रेगिस्तान में इस एरिया में पाए जाते हैं। तो वाटर सप्लाई के बारे में जानते हैं, देर इज ए ऑलवेज वेरी लिटिल वाटर, तो यहाँ पे बहुत कम पानी रहता है। विलेज वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर, फेच होता है लाना, तो जो औरतें हैं
काफ़ी लंबा डिस्टेंस दूरी तय करके पानी लाती है घरों के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड इरीगेशन। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ट्राइंग होता है, कोशिश कर रही है टू प्रोवाइड, प्रदान करना, पानी प्रदान करने की फॉर डोमेस्टिक यूज़, घरेलू जो ज़रूरतें होती है डोमेस्टिक यूज़, घरेलू यूज़ जो ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए एंड इरीगेशन सिंचाई के लिए। तो वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज हैज़ बीन ब्रॉड टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनल। तो अब इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा जो हमारी सतलुज रिवर है उसका पानी वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे इंडिया में जो मैन मेड सबसे लंबी जो कैनल है वो इंदिरा गांधी कैनल है। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन है कि सबसे जो लंबी कैनल है ना तो इंदिरा गांधी कैनल है हमारे इंडिया में मैन मेड। हाँ जी, आगे फार्मर कैन दस ग्रो वीट मस्टर्ड एंड कॉटन। तो इस तरह अब पानी वहाँ पे पहुँचने लग गया है, तो अब फार्मर वहाँ पे वीट, कनक, मस्टर्ड, सरसों और कॉटन को ग्रो कर सकते हैं। यू विल फाइंड सैंड ड्यून्स टॉर्नी शर्ब्स एंड कैमल इन द डेजर्ट। तो ये हम वहाँ पे देख सकते हैं, सैंड ड्यून मैंने आपको बता दिया था, टॉर्नी बुशेज के बारे में आपको बता देना है, कैमल के बारे में आपको पता है। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में, रेन वाटर स्टोर्ड इन टांका ए इज़ यूज ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। तो यहाँ पे जो रेन होती है ना, बारिश होती है, तो ठीक है उस समय बारिश के पानी को इस तरह के टांकास बना के उसमें स्टोर कर लिया जाता है, कि मीन्स कि पानी इसमें स्टोर कर लिया जाता है, तो बाद में इस पानी को धीरे धीरे वो यूज़ करते रहते हैं। तो ये चेक पॉइंट है, तो ये आपने खुद करना है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स है, तो चैप्टर जो रीड कर लिया उसी में से है। तो आगे बात कर ले ऑक्यूपेशंस की। ऑक्यूपेशन होता है किता, कितने जो हैं लोगों के उसके बारे में देखते हैं। पीपल मोस्टली रेयर शीप्स, तो शीप को पालते हैं लोग यहाँ पे, गॉट होगी, कैमल होगी एंड कैटल्स, इन सभी को, जानवरों को यहाँ पे पालते हैं। सम ऑफ देम आर फार्मर, कुछ उसमें लोग फार्मर भी है। दे ग्रो बाजरा, जवार, मेज, शैशमी, शैशमीज होता है तिल, ठीक है, एंड ग्राउंड नट, मूंगफली। तो बाजरा हो गया, जवार हो गए, मक्की होगी, तिल हो गए, एंड ग्राउंड नट, मूंगफली होगी, तो ये वहाँ पे उगाए जाते हैं। सम पीपल आल्सो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर एनिमल्स। तो कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं अपने लिए, जो भोजन की तलाश के लिए, और अपने जो जानवर रखे होते हैं, उनके पशु रखे होते हैं उनके लिए। सच पीपल आर कॉल्ड बंजारा, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको बंजारास बोलते हैं। लाइफ इन द थार डेजर्ट इज दस वेरी हार्ड, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो थार डेजर्ट है वहां पे लोगों की जो लाइफ है बहुत हार्ड है। हाउसेस, तो अब हाउसेस की बात कर लेते हैं, किस तरह के घरों में लोग रहते हैं। मोस्ट हाउसेस हैव ए फ्लैट रूफ, तो ज़्यादातर जो घर होते हैं उनकी रूफ जो ऊपर छत होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है, इस तरह फ्लैट होती है ऊपर से। एंड फ्यू स्मॉल विंडोज, तो कुछ उसमें विंडो बनी होती है। द वॉल आर थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउसेस रिमेन कूल। थिक होता है कि मोटी, देखो वो कहता है कि द वॉल्स आर थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउसेस रिमेन कूल, तो जो दीवारें होती है ना वो मोटी रखी जाती है, ठीक है, ता जो गर्मी को हाउसेस से ना आने दिया जाए, उसको बाहर रखा जाए। तो थिक दीवार बनाने का मतलब ये होता कि जो घरों में ठंडक रहे, ठीक है, तो गर्मी बाहर ही रहे, तो जो थिक वाल, चौड़ी वाली वाल बनाते हैं, इससे गर्मी अंदर कम आती है। सम हाउसेस हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर, सच टैंक्स आर कॉल्ड, तो इनको टैंकास बोलते हैं। तो कुछ घरों के बीच में ना, अंडरग्राउंड घरों के बीच में ही टैंक बना लेते हैं, जमीन को खोद के बीच में, तो वहाँ पे रेन वाटर जो होता है उसको स्टोर करते रहते हैं, जिनको टैंकास बोलते हैं, बाद में इस पानी को वो यूज़ कर लेते हैं। तो अब लाइफस्टाइल की बात कर लें, वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल किस तरह का होता है। लाइफस्टाइल में वोमेन इन विलेजेस वेयर घाघरा, चोली एंड ओढ़नी, तो ये घाघरा हो गया या चोली होगी, तो ये चुनरी होती है उसको ओढ़नी बोलते हैं वहाँ पे राजस्थान में, डेजर्ट एरिया में।
मैन वेयर धोती कुर्ता, तो मैन ने ये धोती, ये धोती है नीचे वाली, तो ये कुर्ता पहना हुआ है, एंड टर्बन, तो ये पगड़ी पहनते हैं। ठीक है। प्यूपल लव टू ईट दाल बाती चूरमा, तो यहाँ पे दाल बाती चूरमा इनकी फेवरेट डिश है, जैसे पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों का साग हो गया, तो यहाँ पे दाल बाती चूरमा है। दे सेलिब्रेट, तो दाल बाती तो हो गया इनकी फेवरेट डिश। दे सेलिब्रेट, यहाँ पे जो सेलिब्रेट करते हैं ना, तो गणगौर, तो ये फेस्टिवल है इनके, गणगौर हो गया, तीज हो गया, घूमर हो गया, और काल बेलिया ये इनके फेमस जो है और पॉपुलर जो है फोक डांस है, तो यहाँ पे ये प्रसिद्ध फोक डांस है इनके। तो इनमें से कौन कौन सा हो गया, गणगौर हो गया, घूमर हो गया, तीज हो गया जो यहाँ पे मनाए जाते, और काल बेलिया, तो इसको याद रखना, काल बेलिया। तो ये देखिए पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, तो एक काल बेलिया, ये वाला जो, ये वाला इसको काल बेलिया बोलते हैं। ठीक है, ये वाला, और ये जो इनका है गणभोर, जो फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये घूमर जो डांस करते हैं, और ये दाल बाती चूरमा जो प्रसिद्ध, जो फेमस डिश है इनकी। तो अब हम मेजर सिटीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर एंड बीकानेर आर सम बिग सिटीज़, तो ये बड़ी सिटीज़ आ जाती है यहाँ पे। जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी, तो जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। इट इज़ फेमस फॉर ब्लू पोइट्री, तो ब्लू पोइट्री मीन्स कि मिट्टी के ब्लू कलर की वस्तुएं बनाना, उसको बोलते हैं ब्लू पोइट्री के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, जो बाहर से घूमने के लिए जो लोग आते हैं टूरिस्ट यहाँ पे, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से आते हैं, विजिट राजस्थान वेरी एवरी ईयर, तो हर साल यहाँ पे राजस्थान में इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, द जैसलमेर फोर्ट है आल्सो नोन एज द गोल्डन फोर्ट, तो उसको गोल्डन किले के नाम से भी जाना जाता है। इज ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए संसार से यहाँ पे आते हैं। हाँ जी, तो ये जयपुर की पिक्चर है, तो इसको पिंक सिटी कहा जाता है, ज़्यादा पिंक कलर का यूज़ है यहाँ पे। तो ये ब्लू पोइट्री जिसको बोलते हैं, ब्लू कलर की होती है, मिट्टी से बने होते हैं, तो इसको ब्लू कलर की पोइट्री बनाई जाती है, चीनी मिट्टी से भी बोल देते हो। तो अब हमारे पास आ गया वर्ड टू नो, तो इसको देखते हैं, रन ऑफ कच्छ क्या है, तो ए पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट है दैट गेट्स फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन, तो ये थार डेजर्ट का एक हिस्सा है, जो बारिश होती है ना, मानसून आता, तो यहाँ पे पानी भर जाता है इस सीजन में। ठीक है, मानसून सीजन, बट लीव्स बिहाइंड साल्ट व्हेन द वाटर ड्राइज अप ड्यूरिंग द विंटर, जो सर्दी आती है ना, तो पानी सूख जाता है, तो पीछे ये नमक छोड़ जाता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन में। ठीक है, तो ये पीछे नमक छोड़ जाता है, देयर बाय फॉर्मिंग ए साल्ट डेजर्ट, तो इसीलिए यहाँ पे एक साल्ट का डेजर्ट बन गया, कि नमक वाला जो एरिया बन गया है डेजर्ट वाला यहाँ पे। तो पिंक सिटी की बात कर लें, द सिटी इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑल बिल्डिंग इन द ओल्ड सिटी आर बिल्ड ऑफ पिंक स्टोन्स, तो पुरानी जो बिल्डिंग है ना यहाँ पे सिटी में, पिंक सिटी इसीलिए कहा जाता है कि वो पिंक स्टोन से बनी हुई है। तो क्योंकि कह में देख लेते हैं, द थार डेजर्ट कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का लार्ज पार्ट कवर किया हुआ है थार डेजर्ट ने। द रीजन रिमेन हॉट एंड ड्राई, तो सारा क्षेत्र, रीजन होता है क्षेत्र, जो इलाका है रहता है, रिमेन्स रहना, हॉट एंड ड्राई रहता है। देर इज नॉट मच वाटर अवेलेबल, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, तो पीपल स्टोर वाटर इन जो टंकास में पानी स्टोर करते हैं, हमने उसको पहले देख लिया है। पीपल रेयर एनिमल्स एंड डू फार्मिंग, यहाँ पे पशु पालते हैं और फार्मिंग भी करते हैं। जयपुर, जोधपुर
उदयपुर, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर एंड बीकानेर आर सम बिग सिटीज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की कुछ बड़ी शहर हैं ये, ठीक है। तो आगे आ गया आपका रीड एंड आंसर। तो ये बैक एक्सरसाइज है, चैप्टर हमने रीड कर लिया है, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करनी है। जो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।